चौथी बुलेटिन में पुलिस कर्मियों को रामायण मंडल बनाया गया। यह मंडल महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर यहां रामायण और सुंदरकांड करता है। गुरुवार को शुरू हुई रामायण में डिस्पोजल फ्री स्वच्छ इंदौर के साथ भक्ति का संदेश भी दिया गया। मंडल का उद्देश्य युवा पीढ़ी को सोशल मीडिया से दूर रखकर संस्कृति से जोड़ने का है। चौथी पल्टन पुलिस कॉलोनी में रामायण मंडल की स्थापना 42 वर्षों पूर्व हुई थी। मंडल के पुलिसकर्मी घर घर जाकर सुंदरकांड करते हैं। मंडल में तीसरी पीढ़ी शामिल हुई है। मंडल मध्य प्रदेश में कई शहरों की पुलिस कॉलोनी में रामायण व सुंदरकांड करता है। इसमें कई पुलिस अधिकारी भी शामिल होते हैं। मंडल का उद्देश्य युवाओं को फेसबुक व व्हाट्सएप से दूर कर भारतीय संस्कृति से जोड़ना है। चौथी पल्टन रामायण मंडल करीब 42 वर्षों से रामायण मंडल चल रहा है और इस रामायण मंडल में हम घर घर जाकर सुंदरकांड का पाठ करते हैं। हमारे पिताजी ने इसकी शुरुआत करी थी, श्री कुंजन सिंह मुंदेला ने, और मैं दूसरी पीढ़ी हूँ और मेरे बच्चे भी रामायण गा रहे हैं। इस परिवार के बच्चे रामायण गा रहे हैं और वो भी हमारे साथ सुंदरकांड में आते हैं और महाशिवरात्रि के दिन हम पूरा रामायण मंडल एकत्रित होकर इसको बहुत हर्ष के साथ मनाते हैं कि हमारी तीसरी पीढ़ी भी आज सुंदरकांड अखंड रामायण इनका लाभ ले रही है। ये बात बिल्कुल सही है कि आजकल फेसबुक और व्हाट्सएप ने इतनी स्थिति खराब कर दी है और हम यही चाहते हैं कि युवा पीढ़ी आज आए और सुंदरकांड हमारी रामायण को समझे, महत्व समझे और ये व्हाट्सएप फेसबुक की दुनिया में से हनुमान जी की सेवा करें, महाकाल की सेवा करें। 200-500 ऐसे रामायण मंडल होंगे जो घर घर जाके अलग जगा रहे हैं, रामायण जी के बारे में लोगों को जो अवेयरनेस है वो बता रहे हैं। तो जो फादर लोगों का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य आज सफल होता हुआ दिख रहा है और की स्थापना हुई थी तब से ये वार्षिक उत्सव के रूप में महाशिवरात्रि रहता है। महाशिवरात्रि एक दिन पहले हम लोग अखंड रामायण जी का पाठ स्टार्ट करते हैं और उसको शिवरात्रि के दिन हम उसको समापन करके और इसको रामायण मंडल का वार्षिक उत्सव के रूप में मनाते हैं। उसी के साथ में हम जो जैसे अभी मैसेज है कि भाई डिस्पोजल फ्री होना चाहिए और स्वच्छता का और रहना चाहिए, उस सब चीज़ों को हम फॉलो करके आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे कि आज हमने सब वो उस तरह की व्यवस्था रखी है कि हमारा इंदौर और जैसे स्वच्छ है हमेशा रहे और सबके साथ में स्वच्छता का संदेश भी जाए, भक्ति का संदेश जाए, सब लोग अच्छे से सेवा करें, संस्कृति की रक्षा करें, बस यही उद्देश्य है।